बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे छात्रावास के बालकों द्वारा, जोरदार ताली हुसैन का सम्मान को बढ़ा है। हॉल में विश्व आदिवासी दिवस चल रहा है। अपनी कदरदारी को, अपनी कदरदारी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कदरदारी को इस तरह ना छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बजाइए। विश्व आदिवासी दिवस, इसका इतिहास और जो मनाया जाता है झारखंड में, क्या महत्व है। अनुरोध करता हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस 2023 जो मनाया जा रहा है, तमाम आदिवासी भाइयों के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिवादन। विश्व आदि दिवस के अवसर पर हम एक संदेश देना चाहते हैं। यह आदिवासी समाज वन पर्यावरण रक्षण का संरक्षण करते हैं और ये लोग वन के पुजारी हैं, पेड़ों का पूजा करते हैं और यह समाज की जो संस्कृति है उस संस्कृति को सबको समर्थन करना चाहिए और यह संस्कृति ही आपको अपना एक पहचान देगा। तो आदिवासी का यही पहचान है। मैं आज आदिवासी विश्व आदि दिवस के अवसर पर तमाम देश के जो हमारे शहीद हैं, जो अंग्रेजों को भगाने में अपना प्राण की आहुति दी है, तमाम शहीदों के वीर शहीदों को भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, तमाम लोग को हम आज के दिन में नमन करते हैं। और मैं आज संदेश देना चाहते हैं कि भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। और आज महिला जो पढ़ी लिखी है, चाहे खेल का जगत में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आज महिलाएं बन रही है। यह देन यदि किसी को जानता है तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को जानता है। और मैं देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं कि पहला बार उन्होंने आदिवासी विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया, जिसके मंत्री बनाया गया है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी को, जिन्होंने आदिवासी के जुट कर देश का पहला प्रधानमंत्री है, जिन्होंने यह समाज के बारे में सोचा कि दबे कुचले समाज को आगे हम कैसे बढ़ावे, उसका अलग मंत्रालय बनाकर स्थापित कर दिया है कि देश में आदिवासियों का कोई शुभ चिंतक है तो देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी। आज विश्व आदिवासी दिवस में आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं टाउन हॉल में और गजब हमारे अधिकारी, लेकिन यहाँ पे समाज के आदिवासी ही समाज के भर चुका है। आप देख सकते हैं समिति के अध्यक्ष हमारे पहान पूरा सबका पूरा टाउन हॉल बहुत मौका होता है जब भरा रहता है। आज जो है आदिवासी दिवस के अवसर पे पूरा का पूरा टाउन हॉल जो है वो भरा हुआ है। ऐसे समय में लोगों ने प्रोग्राम दिखाया, ये कुछ लोगों से बात करेंगे थोड़े ही शब्दों में है वो प्रोग्राम करने के लिए शायद प्रोग्राम करके लोग निकल गए हैं यहाँ से। आज झारखंडी कल्चर, झारखंडी डांस और झारखंड से रिलेटेड सारे चीजें जो है वो उनका कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और माहौल यहाँ पे गजब का है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं डांस करने के लिए ये लोग भी हैं, अभी करेंगे डांस, प्रिपेयर कर रहे हैं। और आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं आज टाउन हॉल में जुटे हुए हैं विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए, जो तैयारी है वो यहाँ पे चल रही है। टाउन हॉल में भीड़ काफ़ी है और मतलब लोग यहाँ पे जितने भी हैं लोग आए हुए हैं और कल्चर को, हाँ क्या चल रहा है अभी आज आदिवासी दिवस में यहाँ पे, क्या क्या डांस वगैरह चल रहा है? आपका डांस हो गया? नहीं अभी हम लोग का तो हुआ नहीं होगा, बस अभी शुरुआती बात दो तीन को हुआ है, हुआ है और होगा। तो क्या होता है विश्व आदिवासी दिवस में, क्या होता है? बस अपना क्या बोलते हैं रीति रिवाज को याद करते हैं और बस उसी को मनाते हैं। साल भर में एक बार आता है बस जिंदा रखने के लिए। तो देखिए किस तरह से आदिवासी ट्राइबल कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो साल में एक बार आता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ प्रदर्शनी भी लगा हुआ है, आदिवासी जो वेशभूषा है उसको यहाँ पे दर्शाया, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और जितने भी ट्राइबल हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आदिवासी वेशभूषा जो है ये यहाँ पे उसका प्रदर्शन भी लगा रहे हैं और ये बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? ठीक है सर, कैसे बेच रहे हैं? पूरा अच्छा सेल हो रहा है, आप सेल हो रहा है, लोग पूरा खरीद रहे हैं ना। आपको हम लोग तो बहुत याद कर रहे थे। देखिए किस तरह से यहाँ
अलग अलग तरह का जो स्टॉल है ट्राइबल कल्चर को जो रिप्रेजेंट करता है उस तरह का। कौन सा है आपका? लाल पड़िया आदिवासी मार्ट कहाँ पे है ये? हुडू पंडित जी रोड में देखिए आदिवासी कल्चर का जो सामान है सारा कुछ बिकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए और ये ट्रेडिशनल फूड भी यहाँ पे इसका स्टॉल लगाया गया है। और टाउन हॉल में जो माहौल है वो आज का ज़बरदस्त है, जो ट्राइबल कल्चर को दिखाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं और अभी एक से एक कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है और पूरा का पूरा टाउन हॉल आप देख सकते हैं किस तरह से भरा हुआ है। व्यवस्था अच्छी हो और उस सब में उसमें हमारी रुचि हो और उसके लिए हमारा अच्छा प्रयास हो, उसी तरह मैं हमारे आदिवासियों को बढ़ते हुए देख रहा हूँ या मेरे लिए खुशी की बात। इस तरह हमारे मैडम विश्व आदिवासी दिवस पे बोलना चाहेंगे कुछ आप? विश्व आदिवासी विश्व दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के थीम के अनुसार जो हमारे यूथ हैं वो सारे विश्व के सारे यूथ और विशेष करके हमारे झारखंड के जो यूथ हैं वे आत्मनिर्णय सेल्फ डिसीजन लेने में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें और आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी सैद्धांतिक बातें हो रही हैं व्यवहारिक बातों में आपको क्या इम्प्लीमेंट होना है क्या नहीं होना है उसका विवेकपूर्ण से आप निर्णय लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में आप अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन को आप अपना ताकत समझें। वर्तमान युग में आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, आदिवासियों की रक्षा के लिए जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं जल जंगल जमीन के प्रति आज किस तरह के नए कानून बनाए जा रहे हैं और अगर हमको प्रकृति को बचाना है पूरे विश्व को बचाना है तो प्रकृति से जुड़ने वाले मानव संसाधन को बचाना है तो मानवीकरण करना होगा और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी यूथ को अपने को तैयार करने का समय आ गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी सब डिसीजन लेने में अपने आत्मबुद्धि का ख्याल रखें। धन्यवाद। इस तरह से विश्व आदिवासी दिवस जो है टाउन हॉल में यहाँ क्या हो रहा है? हर बार झंडा लगता था शहर में इस बार झंडा क्यों नहीं लगा? हम ये पूछना चाहते हैं अपना समिति से। आदिवासी लुप्त अपने आप में कर रहा है, हर समय लग रहा था, इस बार क्यों नहीं लगा हुआ है? हाँ, जानते सना समिति सब समिति का अनुसूचित जनजाति का 32 समाज है, इस बार क्यों नहीं लग रहा है? हम ये पूछना चाह रहे हैं, हर समय झंडा ही लगा था। देखिए यही है, आज जो है पूरा ट्राइबल समाज जो है यहाँ पे आया था विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए और अंदर जो है शाम तक कार्यक्रम चलेगा। रांची में आपको बता दूं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और